हनी सिंह ने अभी अभी स्वीकार किया है कि उसने जो सबसे घटिया गाना बनाया है, बेवकूफाना गाना बनाया है, वो ब्लू है पानी पानी। उसने ये भी स्वीकार किया है कि उसने अधिकतर गाने ऐसे ही बनाए बेवकूफाने, लुंगी डांस मखणा। तो अब उसको मैच्योरिटी आ गई, उसने पब्लिक को सच बता दिया। लेकिन इससे ये तो साबित होता है कि जो लोग उस समय गाना सुन रहे थे, बजा रहे थे, नाच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, वो कितने बड़े बेवकूफ थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, तो गाना सुन लेना चाहिए, जो गाना हम बताए ना वो सुन लेना चाहिए, उसके साथ जो फलसफा है वो भी सुन लेना चाहिए और उस फलसफे के साथ में उस गाने को एंजॉय करना चाहिए। मतलब दोस्त बजा रहा है, कैब में बज रहा है, कोई यूट्यूब ट्रेंडिंग में आ गया है, उसको तो कंसिडर ही नहीं करना चाहिए। यू नेवर शुड कंसिडर सोशल मीडिया ट्रेंड एट ऑल, ऑलवेज कंसिडर सुपीरियर मैंस टेस्टिमोनी। प्लीज अंडरस्टैंड। तो ट्रेंडिंग का जो भी हिसाब होता है ना भाई साहब, ये गुलामों वाला हिसाब है। ट्रेंडिंग इज इक्वल टू दलित। दलित मतलब कौन होता है? जो दल के पीछे जाता है। दल क्या करता है? ट्रेंड बनाता है। बहुत सारे लोग इस चीज को सुन रहे हैं, तो ट्रेंडिंग म्यूजिक, ट्रेंडिंग बुक, ट्रेंडिंग बाबा, ट्रेंडिंग मोटिवेशन स्पीकर, ट्रेंडिंग कार, ट्रेंडिंग शर्ट, ट्रेंडिंग जूता, ट्रेंडिंग चश्मे। समझ रहे हैं? सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। अबे सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बुक कहां से आ गई? आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट बुक। ये क्या आ गई? इकिगाई 8 साल से परेशान कर रही है, अब जाके हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो जो चीजें वर्थ पेइंग अटेंशन है, फॉलोइंग है, वर्थ रिवाइजिंग है, वर्थ टॉकिंग अबाउट है, वो 5 साल पुरानी है, वो 10 साल पुरानी है, वो 50 साल पुरानी है, वो 500 साल पुरानी है, वो 5,000 साल पुरानी गीता है भाई साहब, उसको कौन डिस्कस करेगा? मतलब उसको करनी है तो करो, नहीं तो मुझे डिस्कस नहीं करनी। मुझे तो ये 8 साल से दी हुई सुपीरियरिटी की शिक्षा डिस्कस करनी है। अभी ट्रेंडिंग म्यूजिक कहां से आ गया? व्हाट इज इट? तो ट्रेंड को फॉलो करने वाला गुलाम होता है। तो जो आदमी अपने अभिव्यक्ति से चलता है, अपने एक्सप्रेशन से चलता है, वो ट्रेंड को देखता भी है, कंसिडर भी करता है, लेकिन उसमें अपना लॉजिक भी लगाता है, रैशनैलिटी भी लगाता है, प्रकृति को भी कंसिडर करता है, प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए अपनी अभिव्यक्ति के साथ अपने हित में कैसे काम कर सकता है, वो ही देखता है। आप हमारे गाने देखिए, ट्रेंडिंग तो दूर की बात, किसी इंसान ने कंसिडर भी नहीं किया कि वैसा गाना गाने लायक भी है, उस गाने को बजाने लायक भी है गिटार पे। वो मेरी जंग का गाना, कह दो कि तुम मेरी हो वरना, वो कोई कोई बजाएगा क्या? आशा वाली राग गिटार पे निकाल के कोई बजाएगा क्या? और कौन सा गाना निकाला था हमने गिटार पे? राजस्थानी। राजस्थानी गिटार कौन बजाता है? उमारी घुमारी कौन बजाता है? ये ट्रेंड है क्या? घूमर का गाना 30 साल पुराना, ये गिटार पे लीड निकालना, ये ट्रेंड है क्या? अबे ये अभिव्यक्ति है, ये स्वतंत्रता है, ये ब्रह्म का मार्ग है, बाकी सब मार्ग दलितों का मार्ग है। तो जो बातें प्रकृति के नियमों पर आधारित हैं, मानवता के हित में है, प्रत्येक मनुष्य के हित में है, उसका प्रतिदिन स्मरण होना चाहिए, उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए, उसका मसला बनना चाहिए, उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उसको ट्रेंडिंग में लेकर आना चाहिए। वो बात भले ही 5,000 साल पहले श्री कृष्ण ने कही हो या 5 महीने पहले श्री हितेश आक्य ने कही हो। प्लीज अंडरस्टैंड। अब आज के घर में क्या होता है? कमरा खुलता है, लड़का बाहर निकलता है, मोबाइल चलाता है, उस पर गाना आता है, दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं क्या करूं। अरे वो सब तो ठीक है, बट 14 साल पहले राजीव दीक्षित की हत्या हुई थी भाई साहब, उसका क्या करना संक्रांत भाई? प्लीज अंडरस्टैंड। आज से 70 साल पहले या 50, 60, 70 साल पहले रजनीश ने जो वचन दिए थे उनका क्या करना भाई साहब? जो मोहम्मद ने कहा था उसका क्या करना भाई साहब? जो कृष्ण ने कहा था उसका क्या करना भाई साहब? ये रील नया नया म्यूजिक में चलाता रहा हूं, ये कोई से कोहली आ गया, उसका रिटायरमेंट हो गया किसे? तो हर क्षेत्र में, सिनेमा का हो, पॉलिटिक्स का हो, म्यूजिक का हो, स्पोर्ट्स का हो, स्पिरिचुअलिटी का हो, बिजनेस का हो, हर जगह गुलाम कैसे भरे हुए हैं मैं आपको पॉलिटिक्स से समझाता हूं। आज से 100 साल पहले 1924 में विजय सिंह पतेक एक प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम की डिमांड कर रहे थे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, उसके बारे में तेरे को पता तक तो है नहीं, लेकिन तेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है कि तेरे विधानसभा के, तेरे शहर के कौन से विधायक का, कौन से अध्यक्ष टिकट काट दिया, उसको कितने दलित के वोट मिल रहे हैं, कितने मुसलमानों के वोट मिल रहे हैं, क्या पोलिंग हो रही है, क्या एग्जिट पोल हो रहा है, इतने निहायती घटिया और नीच हरकत तेरे को करनी है तो कितना बड़ा नीच है तू सोच। क्रिकेट की सुन,
क्रिकेट में मेरे को कोई पूछे ना तो विराट कोहली के बाद कौन क्रिकेटर है मैं नाम तक नहीं जानता। क्यों? क्योंकि 10वीं क्लास में एक हिंदी में चैप्टर पढ़ा था हरफन मौला, तो मेरे को तब से जानना है, 20 साल से मेरे को जानना है कि हरफन मौला कैसा होता है। तो अब 2024 में Z5 के ऊपर जो कपिल देव की फिल्म आई है तब क्लियर हुआ कि वो कपिल देव किस प्रकार का हरफन मौला था। इतनी चीजें पेंडिंग है पढ़ने के लिए। सिनेमा में देख लीजिए, नई नई फिल्में अच्छा साहब, नए नए गाने अच्छा साहब, नए नए वेब सीरीज, नए नए हीरो, नई नई हीरोइन, ये क्या हो रहा है भाई साहब? अरे अभी तो शाहरुख खान की एक्टिंग को स्टडी करना और इज्जत से देखना बाकी है। जो हितेश शाह के आज से 20 साल पहले 30 साल पहले देखता था शाहरुख खान को, अब वो शाहरुख खान थोड़ी ना है। मतलब शाहरुख खान भी अलग है क्योंकि हितेश शाह क्या अलग है, बहुत मैच्योर है। तो शाहरुख खान की एक्टिंग को देखना, बार बार देखना, सुन के समझना, उसको अपने जीवन में धारण करना, उस पर बहुत सारा इन्फिनिट काम करना बाकी, 500 साल कम पड़ेंगे। और उसके पहले वो जो अपनी एक्टिंग दिलीप कुमार से कॉपी कर रहा था, उसको पूरा पूरा नया दौर में देखना, अबे उसके लिए भी 500 साल कम पड़ेंगे। तो जिंदगी में इतना इन्फिनिट काम पड़ा हुआ है सेल्फ इंप्रूवमेंट में करने के लिए, तो ट्रेंड में कहां घुसा हुआ है यार? कितना घटिया आदमी है तो ट्रेंड में घुसा हुआ है। सच अ फकिंग डिसग्रेस, सच अ डिसग्रेस, फॉलोइंग ब्लडी ट्रेंड्स, स्टूपिड इडियट्स। तो दुनिया में सारा गेम लूप में फंसाने का है। जो विश्व के शासक के दुनिया को गुलाम बनाना चाहते हैं और जो उनके प्रकार की छोटी छोटी शक्तियां वो लोगों को लूप में फंसा के रखती हैं, फूड के लूप में, म्यूजिक के लूप में, कोई पॉडकास्ट के लूप में, कोई किताब के लूप में, कोई फिल्म के लूप में, कोई जॉब के लूप में, कोई किसी प्रकार के लूप में। तो सुपीरियर सोसाइटी भी एक प्रकार का लूप है, बट कौन सा लूप आपको अन्य लूप से बाहर निकालने के लिए अपने लूप में ले रहा है और इस इंटेंशन के साथ लूप में ले रहा है कि बाकी आगे जाके आपको लिबरेट होना ही होना है। और लिबरेशन आपको अल्टीमेटली हमेशा सदैव याद रखना है। और कौन सा लूप सदैव के लिए आपको गुलाम बनाने के लिए अपने लूप में ले रहा है, ये आपको देखना है। तो ये सारे लूप है, रील तो इतना बड़ा लूप है भाई साहब, आप समझ रहे हैं? अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते तो मैं आपको टू डायमेंशनल समझा सकता था। टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है रील में, एक वर्टिकल मूव करती है, हॉरिजॉन्टली मूव करती है। तो ये दो प्रकार के लूप है उसके अंदर, इंसान उस लूप के अंदर फंस जाता है यदि उसने अपनी जिंदगी में उतने हजारों लूप नहीं बना रखे जैसे हमने बना रखे हैं। अब जैसे ये बाबाओं के मामले में ट्रेंडिंग पे आ जाइए, काल भैरव पे वो बाबा जी आ गए, वो पॉडकास्ट से पॉडकास्ट निकाले जा रहे हैं। ईच एंड एवरी सिंगल लाइन इज वैल्यूड टू बी जीरो, हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, पुटिंग ऑल माय रेपुटेशन हियर, सारा गार्बेज फैला रहा है। लेकिन पॉइंट उठता है, गार्बेज फैलाने की जरूरत क्या आ रही थी? अरे जब 40 साल पहले विज्ञान भैरव तंत्र बहुत इज्जत से लिख के बोल के समझा के हिंदी में और इंग्लिश में जा चुका रजनीश, तो पहली बात तो दुनिया को उसके बारे में तो बताना नहीं, दूसरी बात दुनिया को डंडा मारना नहीं कि तू उस पे काम कर, एक्शन ले, ऑथेंटिक बन, वो डंडा मारना नहीं, बस यहाँ पे पॉडकास्ट से पॉडकास्ट चलाए जाओ, सारे गुलामों को लूप में लिए जाओ और उनको कंटेंट दिखाए जाओ और अपने ट्रेंड बनाए जाओ और सारे सुपीरियर को भी ले जाओ, सारे सुपीरियर को तो ना डंडा मारेंगे ना हम यदि किसी प्रकार के ट्रेंड में फंसेंगे इस प्रकार के, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये बहुत बेवकूफी चल रही है, भेड़ चाल है, इससे बचना होगा प्रत्येक सुपीरियर को, प्लीज अंडरस्टैंड। तो आप देखिए 8 साल से हमने कितना ऑथेंटिक रवैया अपनाया है, हमने अपने लूप में किसी को लेने की बजाय उसको सीधे बोला है कि तू काम पे लग, तू एक्शन मोड में आया, अभी से तू एक्शन में आया, और जो एक्शन में नहीं आया उसको डंडा मारा हमने, उसको गाली गलौज की है, उस गाली गलौज के बदले में उसने 4 लोगों को और जाके बताया कि हम कितने एरोगेंट और रूड हैं और कितने बदतमीज हैं, समझ रहे हैं? उसकी वजह से हमारा कितना जो फैन फॉलोइंग है वो रुका है, हमारे पास कितना वेल्थ का ब्लॉक हुआ है, लेकिन उस सब के बावजूद जो सत्य है उसका हमने अनुसरण किया है। प्लीज अंडरस्टैंड कि किसी इंसान को लूप में लेने की बजाय उसको एक्शन मोड में लगाओ, यदि वो एक्शन मोड में नहीं आ रहा है तो उसको गाली देकर जगाओ, क्योंकि यदि वो तुम्हारे लूप में नहीं आया तो किसी और के लूप में चला जाएगा। इतना बड़ा देवता समान आदमी कभी आपने देखा है? हमारे जितना देवता समान आदमी जो आपको डंडा करता हो एक्शन में लेने के लिए ताकि आप लूप में ना फंस जाए किसी के। और बताते हैं भाई साहब हम कितने देवता आदमी हैं, 8 साल में कि हमको पता नहीं है कि कौन कौन से पॉपुलर कीवर्ड्स हैं, क्या ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करने के बारे में हमने 1 सेकंड भी नहीं दिया। लेकिन जो मानवता के हित में जरूरी चीज है, जो प्रकृति के नियमों के हिसाब से जो जायज चीज है, वो ये कि लोगों को वर्चुअली जमा करके या जमीन पर बुला के उनसे कुछ एक्शन करवाना, और वो यदि बहुत गुलाम है तो उनके शहर में जाना, पैसा खर्च करना, टाइम लगाना, नौकरी वोकरी छोड़ के इतना अपमान वगैरह सहकर वो काम को करना जो वास्तव में जायज है,
और फिर भी वहां पर लोग नहीं आते हैं, जबकि वो सब टाइम, पसीना, मेहनत, एनर्जी बचाकर हम अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते थे, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने वाले गुलामों तक पहुंच सकते थे, प्रसिद्ध हो सकते थे और अमीर हो सकते थे। लेकिन उस अमीरी में, उस प्रसिद्धि में वो देवत्व नहीं होता भाई साहब, जिस देवत्व की वजह से हमारे इस आवाज में इस पाक है कि जला दे एक एक गुलाम को, निष्क्रिय नामर्द को। प्लीज अंडरस्टैंड।